आज के मैं अपने वीडियो में आपको इंडिया के जो वेटलैंड्स हैं उनके बारे में बताऊंगा, और वो जो वेटलैंड्स को कौन से इंडिया के जो वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया है उनके बारे में भी बताऊंगा। उसको बताने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी वेटलैंड्स का एक वीडियो जो अपलोड किया है उसमें अगर आपको इसकी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप इसको सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड से इसकी स्पीड को रिड्यूस करके भी सुन सकते हैं। मैंने ये स्पीड इसलिए ज्यादा रखी कि आप जल्दी से उस चीज को आप मल्टीपल टाइम सुन लो। किसी भी वीडियो को धीमे धीमे सुनने से अच्छा है कि उसको स्पीड में 3-4 बार सुन लिया जाए, वो मेमोरी में रिटेन करता है। ठीक है, एक साइंटिफिक फैक्ट भी है, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को धीमे धीमे सुनते हो तो आपको मोनोटोनस लगने लगता है और आप उसको इतने अटेंटिवली नहीं सुनते हो। ठीक है, इसका भी लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप सारे जो मेरे जो वीडियोस रहेंगे वो इसी स्पीड में रहेंगे, और आप उसकी प्लेबैक स्पीड में अगर आपको बहुत जल्दी लग रहा है तो आप उसकी प्लेबैक स्पीड सेटिंग में जाके, जिस तरह से मैंने ये डायग्राम में दिखाया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ये जो ये व्हील टाइप का दिख रहा है ना आपको, इसमें बॉटम में इस व्हील जैसा, स्टेयरिंग व्हील जैसा जो दिख रहा है ना, ये जो इस पर क्लिक करके आप प्लेबैक स्पीड पे जाओगे, प्लेबैक स्पीड पे फिर आपके ऑप्शन रहते हैं कितने गुना करना है, आप कम कर सकते हो। ठीक है, 0.75x पे आप सुन सकते हो इसको। और अगर जो मोबाइल पे चला रहे हैं तो मोबाइल पे आप देखोगे टॉप पे राइट कॉर्नर पे 3 डॉट दिखते हैं, उन डॉट पे जब क्लिक करोगे तो आपको प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना इंडियन वेटलैंड्स का वीडियो। इंडियन वेटलैंड्स में जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो कि वेटलैंड्स किस तरह के होते हैं, और मैंने इनके डिटेल के बारे में भी आपको पहले बताया था कि जो वेटलैंड्स क्या होते हैं, कि वेटलैंड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन से ऐसे लैंड जहाँ जो वेट होते हैं उनको वेटलैंड बोला जाता है, वेटलैंड की कैटेगरी में आते हैं, उसमें मैंने 3 के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई थी कि एटलीस्ट 7 डेज तक उनमें वाटर भरा हो, दूसरा वहां पे हाइड्रिक सॉइल हो, तीसरा वहां पे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स हो। ये 3 चीजें होती हैं तो वह वेटलैंड्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया में वेटलैंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रामसर कन्वेंशन था उस रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर कोई वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का होना है तो उसको वो 9 क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करना रहता है। ठीक है, क्वालिफाई करना रहता है उनका क्राइटेरिया में, तब वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अभी मैं जो इंडिया के वो वेटलैंड जो रामसर साइट्स में आए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज के प्रेजेंट डेट में फेब 2020 में ये जो काउंट है ये 37 है। ठीक है, वो कौन कौन से रामसर साइट्स में आते हैं उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक देखिए, ओवरऑल इंडिया में जो 27,403 वेटलैंड्स हैं, अब जैसे मैंने वेटलैंड आपके 3 चीज़ें बताई कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन बेसिस पे करके 27,403 वेटलैंड जो है इंडिया ने ऐसे वो हो गए कि हाँ ऐसी ऐसी जगह हैं तो इतने सारे हैं। ठीक है, ऑफ विच मोर आर इनलैंड वेटलैंड्स एंड सम आर कोस्टल वेटलैंड्स, उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो इनलैंड हैं और जो कुछ हैं जो कोस्टल हैं। ठीक है, तो जो वेटलैंड्स ऑक्यूपाई 18.4% ऑफ इंडिया टोटल एरिया, 18.4% इंडिया के टोटल एरिया का वेटलैंड ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, 70% ऑफ दीज वेटलैंड्स इज अंडर पैडी कल्टीवेशन। ये जो वेटलैंड्स है ना, अब देखो वेटलैंड्स मैंने बताया था कि जो राइस होता है, राइस में जो सबमर्ज लैंड होती है ना, सबमर्ज सॉइल होती है उसमें राइस उगता है, तो वेटलैंड भी वैसे ही होते हैं, तो राइस के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है पैडी कल्टीवेशन के लिए। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द लिस्ट ऑफ ऑल दीज, ये सारे जो वेटलैंड्स हैं इनकी कोई लिस्ट ना पूछेगा आपसे कोई, और ना ही कोई फाइंड करना भी मुश्किल है। ठीक है, देन फाइंड विच स्टेट हैज मैक्सिमम वेटलैंड्स। अब मैक्सिमम किस में वेटलैंड्स है, बट देयर आर टू ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया आर लिस्टेड स्टेट वाइज। अब ये दो साइट्स हैं, एक तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, 115 वेटलैंड्स इन्होंने बताया, ये इंडिया की खुद की है। ठीक है, रामसर वेटलैंड साइट्स इन ऑफ इंडिया है, इसमें भी 37 वेटलैंड्स अपलोड किए गए हैं। ठीक है, अब नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम वॉज स्टार्टेड इन 2013 फॉर हॉलिस्टिक कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स इन इंडिया, एक कंजर्वेशन प्लान चालू किया इंडिया ने खुद का, और वो 2013 में। ठीक है, इट कंजर्व्स द आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स ऑफ इंडिया, ये जो आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स है इंडिया भी खुद से आइडेंटिफाई करता है कि हमारे हिसाब से इतने वेटलैंड्स हैं, इंडिया ने डिसाइड किया, तो उन्होंने कितना डिसाइड किया, 115 डिसाइड किया, और मैक्सिमम नंबर जो है वो यूपी में 16 उनके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से। मैं रामसर कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रामसर कन्वेंशन क्या इन जो होते हैं वो जो वेटलैंड्स होते हैं वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं वेटलैंड्स की बात बता रहा हूँ वो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वो सिर्फ इंडिया
इंडिया को लेना देना है उनसे, ठीक है। इंडिया क्या कह रहा है, हमारा भारत कहता है कि हमारे पास 115 आइडेंटिफाइड वेटलैंड्स है और हमें लगता है कि हमारे यूपी में 16 वेटलैंड्स है और मध्य प्रदेश में जो है सेकेंड नंबर पे आता है 13 वेटलैंड के साथ, ठीक है। ये इंडिया का खुद का कहना है। अब लेकिन रामसर वेटलैंड साइट्स ऑफ इंडिया, अब रामसर वाले क्या कहते हैं कि आपके होंगे आपके यहाँ 115, लेकिन हमारी नजर में 37 ऐसे हैं आपके इंडिया में जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस है उनका, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर 2020 देयर वर ओनली 27 साइट्स इन इंडिया, 2020 से पहले सिर्फ 27 हुआ करते थे, लेकिन इन दिस आल्सो उत्तर प्रदेश हैज द मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। अब क्या हुआ कि 2019-20 में ये 10 और आ गए, 20, तो 10 और आ गए तो 27-10-37 हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी यूपी में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो 7 हैं, ठीक है। यूपी में वैसे मैंने बताया 16 वेटलैंड है जो इंडिया कहता है, भारत हमारा कहता है कि यूपी में 16 वेटलैंड है, लेकिन रामसर साइट रामसर कन्वेंशन वाले क्या बोलते हैं कि आप यहाँ होंगे 16 यूपी में, लेकिन हमारी नजर में 7 ग्लोबल इंपॉर्टेंस के हैं, हम उनको रामसर साइट का दर्जा देंगे, ठीक है। अब टू स्टेट्स फॉर मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स आर फाउंड इन आर यूपी 7 है और पंजाब में 6 है। अब यूपी में कौन से 7 हैं, ये अपर गंगा रिवर, ये ब्रिज घाट और नरोरा स्टेट, नवाबगंज, पार्वती, आगरा, संबंध, समसपुर, संडी और सरसाई नवर, ये जो है। पंजाब में कौन से है, हरिके लेक है, कंजली लेक है, रोपर लेक है, केशवपुर मियानी है, 20 कंजर्वेशन रिजर्व है, नांगल है, ठीक है, नांगल है, ठीक है। भाखड़ा नांगल से नांगल तो आप याद कर सकते हो, 20 जो आप जानते हो जो इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो कि पंजाब में 6, यूपी में 7, ये सब रामसर साइट्स हैं, ठीक है। यूपी में 7 रामसर साइट्स हैं फैब 2020 में और पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। वेटलैंड्स तो ज़्यादा हो सकते हैं, इंडिया आइडेंटिफाई कर सकता है वेटलैंड्स, ठीक है, इंडिया के हिसाब से अपना इंटरनल कुछ डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ग्लोबल इंपॉर्टेंस के यूपी में कितने हैं, 7 और पंजाब में कितने हैं, 6। आप देखो कि जो ये कन्वेंशन आया ना, रामसर कन्वेंशन, अब रामसर कन्वेंशन जो आया उसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला कोई भी कन्वेंशन आता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना कि जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वो डैमेज हो रहा है इकोसिस्टम का, जो ये आपके वेटलैंड्स हैं, एक तरह के इकोसिस्टम है, ठीक है, इनका अगर इकोलॉजिकल कैरेक्टर डैमेज होगा तो ये बात आएगी, तो फिर उसको बचाने के लिए कन्वेंशन आया। तो कन्वेंशन में 3 चीज़ें उन्होंने की, उनको लगा कि ये जो लोग हैं ना ये बहुत एक्सप्लॉयट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, वेटलैंड में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उनका बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, वर्क टुवर्ड्स द वाइज यूज ऑफ ऑल देयर वेटलैंड्स, जो वेटलैंड्स होंगे उनका वाइज यूज करना, अब तक आप उसको सोच समझ के यूज करो, खत्म हो जाएंगे वो, ठीक है, आप सस्टेनेबल यूज करो, वाइज यूज करो, वाइजली यूज करो, ठीक है। सेकेंडली क्या है, डेजिग्नेट सस्टेनेबल वेटलैंड्स फॉर द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड इंश्योर देयर इफेक्टिव मैनेजमेंट। दूसरा ये कहना था कि पहला तो हम वाइज यूज करा लेंगे लोगों से कन्वेंशन लाके, दूसरा उन्होंने कहा कि हर कंट्री जो है ना अगर वो खुद से डिजिग्नेट करे कि रामसर लिस्ट में, तो ग्लोबल इंपॉर्टेंस का, और हम भी देखेंगे कि होना चाहिए उसको कि नहीं होना चाहिए रामसर लिस्ट में, क्राइटेरिया तो हमने बना ही दिया है 9 पॉइंट का, ठीक है, हम उसे देखेंगे। और उसके बाद जब वो ग्लोबल इंपॉर्टेंस का हो जाएगा ना वो वेटलैंड, तो वो तीनों लोगों के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट होगा और पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो उस पर गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का जो नेशनल गवर्नमेंट है और इंटरनेशनल गवर्नमेंट है दोनों का फोकस बहुत हो जाएगा, कि वो दोनों ध्यान से इस चीज पे फोकस करें कि ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड है, इस पे ध्यान देना है, इसमें कोई डैमेज नहीं होना है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड तो बताया ही था कि बहुत ज्यादा डेंजर में जाने लगते हैं अगर वेटलैंड, तो उसमें डाल देते हैं, तब तो और ज्यादा उनको अटेंशन मिलने लगता है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंड्री वेटलैंड शेयर्ड वेटलैंड सिस्टम एंड शेयर्ड स्पीसीज। अब कुछ उन्होंने बोला कि तीसरा कोऑपरेशन होना चाहिए इंटरनेशनली, ऑब्वियस ही बात है, रामसर लिस्ट में अगर कोई वेटलैंड आ जाएगा तो ग्लोबल इंपॉर्टेंस का हो जाएगा, तो उसमें क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन तो फिर आ ही सकता है, ठीक है। और दूसरा, कुछ ट्रांसबाउंड्री भी होते हैं, कुछ ऐसे वेटलैंड्स भी होते हैं जो दो दो तीन तीन कंट्री से शेयर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी कोऑपरेशन हो सकता है कि भाई डैमेज नहीं करना है, संभाल के यूज करना है, ठीक है, कितना कितना रिसोर्सेज यूज करना है, ये नहीं कि सब खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये आज की डेट में, आज की डेट मतलब फेब 2020 की बात करूं मैं अगर,
तो फरवरी 2020 तक ये 37 हो चुके हैं, 37 रामसर साइट्स हैं इंडिया में। आप ये बार बार सुनोगे कि रामसर, रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने वीडियोस में ये आपको बताया है कि क्यों इंपॉर्टेंट है इतने, क्योंकि रामसर साइट्स जो है ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस के, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के वेटलैंड्स हैं। ठीक है, वेटलैंड्स तो बहुत है इंडिया में, ठीक है, लेकिन आइडेंटिफाइड तो 115 है इंडिया में, लेकिन जो ग्लोबल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं वो वेटलैंड जो है वो सिर्फ 37 है। ठीक है, और वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि वेटलैंड जो है बायोलॉजिकल डाइवर्स होते हैं, सबसे ज्यादा ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं और एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम होता है ये। किस लिए जरूरी है वो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि अचानक से इतना क्यों, इतना आप फोकस करने लगे सारे कंट्रीज कि वेटलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पूरी ह्यूमैनिटी इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल सबके लिए वेटलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से वेटलैंड है इंडिया में, वेटलैंड सॉरी वेटलैंड जो रामसर साइट है वो कौन कौन से हैं, 37 है वो। तो पहला है अस्थामोड़ी वेटलैंड, ये कहाँ पे है, केरला में है, एरिया इसका है 614 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, इट इज ए नेचुरल बैक वाटर इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट, रिवर कल्लड़ा एंड पलिचल ड्रेन्स इनटू इट। ठीक है, दो रिवर हैं जो इसमें ड्रेन करती हैं, कल्लड़ा और पलिचल। अभी आप सोच रहे होंगे मैं इतना डेप्थ में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हो 37 है और इंटरनेशनल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हर एग्जाम में देखोगे इनसे कुछ ना कुछ घुमा के बोलेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, सबका ध्यान रहता है इन वेटलैंड पे, कितना इंपॉर्टेंट है ये, कितना बायोलॉजिकली डाइवर्स इकोसिस्टम है इस वजह से। तो ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, अस्थामोड़ी वेटलैंड केरल में है, ठीक है, और कल्लड़ और ये पलिचल जो नदियां हैं उसमें ड्रेन होती हैं। इट फॉर्म्स एन एस्चुरी विद सी एट नीम दकारा, फेमस फिशिंग हार्बर इन केरला, एक फिशिंग हार्बर है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। नींदाकरा एक यहाँ इस नींदाकरा हार्बर में जाके एस्चुरी भी बनाते हैं। नेशनल वाटरवे 3 पासेस थ्रू इट। ठीक है, दूसरा कौन सा है, बीस कंजर्वेशन रिजर्व। बीस क्या है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरीज में आता है, ठीक है, तो इस सिंध नदी के, ये तो आप जानते ही सर, बीस से पता चला लोगे आपकी ये पंजाब में है। ठीक है, 64 स्क्वायर किलोमीटर का है। इट इज ए 185 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ बीस रिवर, द स्ट्रेच इज डॉटेड विद आईलैंड सैंड बार्स एंड ब्रिडेड चैनल्स। ठीक है, द रिजर्व होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन, जो इंडस रिवर डॉल्फिन है वो यहीं पाई जाती है, इंडेंजर्ड है। जैसे मैंने 9 पॉइंट क्राइटेरिया में आपको बताया था, जो डेंजर वाली स्पीसीज होती है ना, जो बहुत कम है, जिनमें इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं, वो एक क्राइटेरिया था क्वालिफाई करने का कि रामसर कन्वेंशन में आने के लिए, रामसर साइट्स बनने के लिए किसी भी वेटलैंड का, तो इस वजह से ये हो गई। ठीक है, इन 2017 ए प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू री इंट्रोड्यूस द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल। ठीक है, 2017 में एक प्रोग्राम इनिशिएट किया गया कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। अब देखिए 9 पॉइंट क्राइटेरिया जो था, 9 में 4 के ऊपर अगर हो जाते हैं तो क्वालिफाइंग हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे 9 9 हो, 4 से ऊपर में भी क्वालिफाई करा दिया जाता है कि हाँ ठीक है ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तीसरा आप देखो कि भीतर कणिका मैंग्रोव्स, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, उड़ीसा में है ये भीतर कणिका, इट इज अ पार्ट ऑफ भीतर कणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक पार्ट है, द कोर एरिया ऑफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड भीतर कणिका नेशनल पार्क। ठीक है, जो जो सेंचुरी का जो मेन सेंटर पे जो एरिया है ना, कोर एरिया, उसको भीतर कणिका नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। गहीर माथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एडजेसेंट टू भीतर कणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये जो आपकी भीतर कणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो गहीर माथा एक मरीन वाइल्ड लाइफ भी सेंचुरी भी इसके बगल में ही है। इट इज फेमस फॉर इट्स सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ओलिव रिडले सी टर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कछुए हैं, टर्टल्स हैं। ठीक है, ओलिव रिडले बोलते हैं इनको, सॉल्ट वाटर नमकीन पानी रहता है यहाँ का, क्रोकोडाइल पाए जाते हैं यहाँ पे। द कोर एरिया ऑफ भीतरकणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज डिक्लेयर्ड भीतरकणिका नेशनल पार्क, ये जो भीतरकणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोर एरिया जो है उसको भीतरकणिका नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। भीतरकणिका वाइल्ड इंक्लूड गहर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये इंक्लूड करता है, मतलब इतना बड़ा है भीतरकणिका का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, किसके अंदर गहर माता मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आता है। ठीक है, भीतरकणिका मैंग्रोव्स अ पार्ट ऑफ भीतरकणिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डेजिग्नेटेड रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन 2002, ये 2002 में ये डिक्लेयर हुए थे। मैंग्रोव जो होते हैं ना, वो मैंग्रोव बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, मतलब ये सलाइन वाटर में ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इनका आपने मैंग्रोव मैंग्रोव बहुत सुना होगा ये, क्योंकि सलाइन वाटर में हर कोई फॉरेस्ट, हर कोई पेड़ तो उग नहीं सकता है। ठीक है, तो जो उग पाएगा उसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और इट इज़ फेमस फॉर, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और अभी दो जो वेटलैंड है, जो जो रामसर साइट भी हैं और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जो डेंजर वाले जो नहीं होते हैं, जो डैमेज हो रहे होते हैं, जिनको रिस्क रहता है ऐसे वेटलैंड्स को, तो वो दो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है हमारे इंडिया से। वो कौन कौन से हैं? केवला देव नेशनल पार्क राजस्थान का, लोकटक लेक मणिपुर में, ठीक है, ये तो दो मैंने बता ही दिए हैं आपको। और ये तीसरा भीतरकनिका। अभी एक भोज वेटलैंड है, मध्य प्रदेश में है, 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, और ये वेटलैंड कंसिस्ट ऑफ टू लेक्स लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भोपाल। इस वेटलैंड के अंदर ना दो झीलें भी हैं, दो लेक भी हैं, और द टू लेक्स आर भोज भोजताल एंड लोअर लेक। और ये दोनों झीलें कौन सी हैं? भोजताल और लोअर लेक। अब कई बार एग्जाम में इस तरह की आपसे पूछ ली जाएंगी लेक, तो आपको लगेगा ये लेक पूछने का क्या सेंस है, क्यों पूछ रहे हैं? ये सेंस इस वजह से पूछ रहे हैं ना, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं उन उसके अंदर ये लेक्स पाई जाती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इट इज ए ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर है, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है। भोज वेटलैंड द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ इंडिया, द साइरस साइरस क्रेन इज फाउंड हियर। सबसे बड़ी जो इंडिया की बर्ड है ना, वो यही पाई जाती है। चंद्रताल है हिमाचल प्रदेश में, ये एक वेटलैंड है, ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक है, सबसे ऊंचाई पे जो झील है, ठीक है। और इट सपोर्ट्स आईयूसीएन रेड डिस्टेट स्नो लेपर्ड, जो आईयूसीएन इंटरनेशनली जो डेंजर्ड जो स्पीसीज होती है ना, वो स्नो लेपर्ड यहीं पे है, ठीक है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, ये 1165 स्क्वायर किलोमीटर की है, ये भी एक वेटलैंड है। और इट इज अ ब्रैकिश वाटर लगून एट द माउथ ऑफ दया रिवर। अब देखिए, ये ब्रैकिश मतलब होता है सलाइन, ठीक है, जिसमें नमक ज्यादा रहता, सॉल्टी रहता, ठीक है। ब्रैकिश वाटर लगून एट द माउथ ऑफ दया रिवर, इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। ये जो कोस्टल लगून है ना, सबसे बड़ी लगून है ये इंडिया में। बट फ्रॉम एज फार एज द कैस्पियन सी लेक, बैकाल, एरल सी एंड अदर रिमोट पार्ट, सेंट्रल एशिया, लद्दाख एंड हिमालय कम हियर। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कैस्पियन सी लेक बैकाल, और लेक बैकाल कहाँ? रसिया में है। कैस्पियन सी आप जानते हो कहाँ पे है, ठीक है, और एरल सी अब कहाँ पे है, ठीक है, सेंट्रल एशिया से, जो तजाकिस्तान, तुर्किस्तान और ये सारी कंट्रीज हैं, ठीक है, तान वाले, और ये लद्दाख और हिमालय से यहाँ पे बर्ड्स आते हैं, ठीक है। इन 1981 चिल्का लेक वॉज डेजिग्नेटेड द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। सबसे पहले अगर कोई डेजिग्नेट हुआ था रामसर कन्वेंशन में, रामसर साइट में, तो वो 1981 में चिल्का लेक ही हुआ था, ठीक है। और नेशनल जो नलमाना बर्ड सेंचुरी इज द कोर एरिया ऑफ रामसर डेजिग्नेटेड वेटलैंड ऑफ चिल्का लेक। जो चिल्का लेक है ना, वो उसके अंदर बीचों बीच ना एक नलबना बर्ड सेंचुरी भी है, जो मतलब कि इसके अंदर है चिल्का लेक के। अब आप एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये नलबना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, तो आपको लगेगा ये पूछने का क्या सेंस है, इतनी सारी है, कौन रटेगा? रटेगा नहीं, ये जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो आपके वेटलैंड्स है ना, उसके अंदर ये पाई जा रही है सेंचुरी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। और दूसरा, इरावदी डॉल्फिन जो होती हैं, जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है, तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होने की वजह से ये आपका ये मतलब इसको भी डेजिग्नेट किया गया था, मतलब फ्लैगशिप सेलिस, मतलब ये फ्लैगशिप स्पीसीज है, ये पाई जाती हैं इरावडी डॉल्फिन, ठीक है। और चिल्का इज होम टू द ओनली नोन पॉपुलेशन ऑफ इरावडी डॉल्फिन इन इंडिया। ये सिर्फ एकमात्र ऐसी जगह है चिल्का झील, जहाँ पे इरावडी डॉल्फिन पाई जाती हैं, ठीक है, ये आपने देखा। इसके बाद ये जो 7th है वो क्या है, डिपोर भील आसाम में है, ठीक है। और ये क्या है, 40 स्क्वायर किलोमीटर है, परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन ए फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्म जो पहले ब्रह्मपुत्र रिवर की जो चैनल थी, वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक है डिपोर भील, और ये आसाम में है, ठीक है, ये भी वेटलैंड है। इट इज़ 5 किलोमीटर टू द लेफ्ट ऑफ गुवाहाटी, वेयर एज पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अराउंड 35 किलोमीटर टू द राइट, ठीक है। ये गुवाहाटी के लेफ्ट में है, ये जो डिपोर भील जो लेक है, ये जो वेटलैंड है, ये गुवाहाटी के लेफ्ट में है, और जबकि पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 35 किलोमीटर राइट है इसके, ठीक है। ये पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपसे पूछ ली जाएगी, तो आपको लगेगा ये कहाँ से क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस जो वेटलैंड है, जो रामसर साइट है, उसके अंदर ये उससे उससे लेना देना है इनका, ठीक है, पबीतोरा वाइल्ड लाइफ का, इसलिए ये पूछ लेंगे। और ये ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स ये जो है, ये वेस्ट बंगाल में, नाम सही समझ में आ रहा है,
125 स्क्वायर किलोमीटर, इट इज मल्टीपल यूज वेटलैंड दैट सर्व्स द सिटी ऑफ कोलकाता। ये कोलकाता के ये मल्टीपल यूज है इसके और ये सिटी ऑफ कोलकाता को सर्व करते हैं, ठीक है। हरिके वेटलैंड पंजाब में है, जो मैंने बताया पंजाब में 6 वेटलैंड है, मैं ये नाम लिया था मैंने हरिके, ठीक है, हरिके पंजाब में है। इट इज ए शैलो वाटर रिजर्वायर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बीस सतलज रिवर। बीस और सतलज जो दो नदियां हैं ना सिंध से, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज ये इनका जो ये जो मिलती है ना जहाँ पे, वहाँ पे शैलो वाटर है, हरिके वेटलैंड वहीं पे है, ठीक है। एक होकेरा वेटलैंड है, यूनियन अब तो यूनियन टेरेटरी है नहीं जम्मू कश्मीर, अब तो सॉरी यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। हाँ जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरेटरी है, ठीक है, पहले तो स्टेट हुआ करता था, अब यूनियन टेरेटरी है। तो जो होकेरा वेटलैंड जो है ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी में है। इट इज ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है, ये श्रीनगर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। इट इज ए नेचुरल पेरिनियल वेटलैंड कंटिग्यूअस टू द झेलम बेसिन। ये झेलम बेसिन जो झेलम नदी है ना उसके बेसिन के बगल में है और ये सतत वाही मतलब पेरिनियल मतलब कंटिन्यूअस पानी रहता है इसमें, ठीक है। ये होकेरा, होकेरा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर होकेरा, ठीक है। और ये एक है कांजली वेटलैंड, ये कांजली मैंने बताया कांजली कहाँ है, पंजाब में। ये कितना है, द स्ट्रीम इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन स्टेट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एज इट इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट गुरु ऑफ सिक्स, ये जो सिखों के जो पहले गुरु थे श्री गुरु नायक गुरु नानक सॉरी गुरु नानक जो है वो इससे इस जगह से एसोसिएटेड थे जहाँ से ये बहती है कांजली वेटलैंड जहाँ पे, ठीक है। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब में। उसके बाद है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है, मतलब जो जहाँ पे डेंजर है, मतलब ये रिस्की भी है, ये मतलब इसमें डैमेज हो रहा है, ठीक है, और इकोसिस्टम। और तो ये राजस्थान में है और एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून वेरिंग इन साइज, तो इसमें 10 आर्टिफिशियल सीजनल लगून्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स है उनका, ठीक है। और वेजिटेशन इज मोजेक ऑफ स्क्रब एंड ओपन ग्रासलैंड दैट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर ब्रीडिंग विंटरिंग एंड स्टेजिंग माइग्रेटरी बर्ड्स। इसमें ये वेजिटेशन जो है मोजेक ऑफ स्क्रब, स्क्रब का मोजेक जैसे बिछे हुए हैं, ठीक है, स्क्रब और ग्रासलैंड भी है जहाँ हैबिटेट रहते हैं, ठीक है। इन्वेसिव ग्रोथ ऑफ ग्रास पैलूम डिस्टिचम हैज चेंज द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द साइट रिड्यूसिंग इट्स सुटेबिलिटी फॉर द सर्टेन वाटर बर्ड स्पीसीज नोटेबली द साइबेरियन क्रेन। अब ये केवला देव नेशनल पार्क में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे घास पाई जाती है, कौन सी, पैस्पलम डिस्टिचम, ठीक है, पैस्पलम डिस्टिचम, पस्पा पी ए एस पी ए एल यू एम डिस्टिचम, ठीक है। और ये इस घास के होने की वजह से ना इकोलॉजिकल कैरेक्टर डैमेज हो रहा है केवला देव नेशनल पार्क वेटलैंड का, और यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है, जो साइबेरियन क्रेन है वहाँ पे, ठीक है, और उस पक्षी को हो रहा है। और अब दूसरा है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो केशवपुर कहाँ पे है, पंजाब में, ठीक है, ये रिजर्व। अब ये दिस साइट इज एग्जांपल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड विच प्रोवाइड फूड फॉर पीपल एंड सपोर्ट्स लोकल बायोडाइवर्सिटी। तो जैसा कि मैंने बताया वेटलैंड का क्या काम होता है, लोगों को फूड भी यहाँ से मिल जाता है, लोकल बायोडाइवर्सिटी भी होती है, फूड के यहाँ पे फिशेज बहुत होती है, मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं, ठीक है। कोलेरू लेक कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, 901 स्क्वायर किलोमीटर में है। और नेचुरल यूट्रोफिक लेक सिचुएटेड बिटवीन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ठीक है। ये जो रिवर बेसिन है ना गोदावरी और कृष्णा, इनके बीच में ये जो एक लेक की तरह, नेचुरल लेक की तरह ये सिचुएटेड है और यूट्रोफिक लेक है। यूट्रोफिकेशन मैंने बताया है, उसका वीडियो बनाया हुआ है मैंने, यूट्रोफिक मतलब यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा रिच है, ठीक है। जब मिनरल्स बहुत सारे जो रन ऑफ हो गए, एग्रीकल्चर जो फील्ड होती है जहाँ पे हम जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो ये वो डालते रहते हैं, उर्वरक डालते रहते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उनसे वो क्या होता है कि वो पड़े रहते हैं, बाद में जब कभी बारिश होती है तो लीचिंग के थ्रू वो आके रन ऑफ होके आ जाते हैं लेक में, और लेक में जब आ जाते हैं तो फिर मैंने वीडियो बनाया हुआ है तो किस तरह से क्या एल्गी ब्लूम आता है ये सब, तो वो यूट्रोफिक लेक सिचुएटेड है, कोलेरू लेक यूट्रोफिक है, ठीक है। और इट वॉज प्रीवियसली ए लगून बट नाउ इट इज सेवरल किलोमीटर इनलैंड ड्यू टू द कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस एंड डेल्टा फॉर्मेशन। ये पहले एक लगून हुआ करता था, लगून टाइप की झील थी, लेकिन अब ये नहीं है ऐसी, ठीक है। अब लोकटक लेक है मणिपुर में, ये भी एक वेटलैंड है। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री। अब नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो लोकटक लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। और यहाँ पे केवल लिमजाओ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड फ्लोट्स ओवर इट। अब आप देखो नेशनल पार्क, अभी आपने तैरता हुआ नेशनल पार्क नहीं देखा होगा, लेकिन जो मणिपुर के लोकटक झील में है वो एक नेशनल पार्क उन्होंने बनाया, वो तैरता है, मतलब वो पानी के ऊपर है। अब सोचो पानी के ऊपर
ऊपर उन्होंने नेशनल पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, तो केबल लिमजाओ नाम है उसका, लोकटक लेक। एक नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है, सरोवर जो वर्ड है ना ये ज्यादातर आपको गुजरात में ही देखने को मिलता है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी ये गुजरात में है, ठीक है। और नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है रेलिक सी, दैट इज द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डिजर्ट, ठीक है। ये जो थार डिजर्ट में जो लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है, नेचुरल ठीक है, वो यही है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। इस सेंचुरी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, दा आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। द वेटलैंड इज ए लाइफ लाइन फॉर सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ इंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस, यहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस जो जंगली गधे हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी में, ठीक है, मतलब इंडियन वाइल्ड एस। दूसरा है नंदूर मधमेश्वर महाराष्ट्र में, इस तरह के नाम आपने मधमेश्वर सम सुन के आते हैं, नंदूर मधमेश्वर, इस तरह के नाम सुनने में लगता भी है महाराष्ट्र, मराठी जैसा, महाराष्ट्र महाराष्ट्रीय, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ नंदूर मधमेश्वर वेयर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गोदावरी एंड कड़वा रिवर्स हेल्प क्रिएट ए थ्राइविंग वेटलैंड, ठीक है। ये जो है ना ये कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे संगम होता है ना गोदावरी और कड़वा रिवर का, वहाँ पे ये नंदूर मधमेश्वर जो आपका वेटलैंड है वहाँ पे है, ठीक है। और ये एक उसके बाद है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे है, जैसे भांगड़ा नांगल आपने सुना, तो नांगल से आप समझ जाओगे कि पंजाब की बात हो रही है। और ये कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है लोकेटेड इन द शिवालिक फुटहिल्स ऑफ पंजाब, जो पंजाब के जो शिवालिक फुटहिल्स हैं वहाँ पे ये पंजाब में ये जो वेटलैंड है वो वहां पे है, ठीक है। इट सपोर्ट द एबंडेंट फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज द इंडेंजर्ड इंडियन पेंगोलिन एंड इजिप्शियन वल्चर, ठीक है। ये जो वेटलैंड है वो क्या करता है, एबंडेंट फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग थ्रेटेंड स्पीसीज, ये जो फ्लोरा एंड फौना जो है ना, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है सच एज कौन सी, इंडियन पेंगोलिन और इजिप्शियन गिद्ध जो है, मिस्र के इजिप्ट के जो गिद्ध है, तो उनको मतलब सपोर्ट करता है, ठीक है। इट ऑक्यूपाइज ए ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इन 1961, ये एक ह्यूमन मेड रिजर्वॉयर को भी ऑक्यूपाई करता है एज ए पार्ट ऑफ भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ठीक है। और दिस साइट इज हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस एज द इंडियन एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज द फाइव प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देयर इन 1954। इंडिया और चाइना के प्रेसिडेंट ने जो पंचशील सिद्धांत आप सुनते हो, फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये 1954 में यहीं पे मतलब पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है, यहाँ पे फॉर्मल रूप से वो हुआ था, फॉर्मलाइज हुए थे कि इस तरह के ये रहे पंचशील सिद्धांत होगा, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, तो नवाबगंज जो है ये एक नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज जब आप कानपुर से लखनऊ जाते हो तो बीच में पड़ता है नवाबगंज, तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, यूपी में है। इट वॉज रिनेम्ड एज चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी इन 2015, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। आजाद जी का जन्म उन्नाव में ही हुआ था, तो उन्नाव के आसपास ही ये नवाबगंज है, तो वहाँ पे इसी वजह से इसका नाम चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी भी कर दिया गया है, ठीक है, 2015 में किया। उसके बाद है पार्वती आगरा अर्गा बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। इट इज अ परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ टू ऑक्सबो लेक, ये दो ऑक्सबो लेक हैं, और वो इसमें मतलब एक फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, इसमें दो ऑक्सबो लेक हैं, ठीक है। द सेंचुरी इज ए रिफ्यूजिव फॉर सम ऑफ इंडिया थ्रेटेंड वल्चर स्पीसीज, कुछ गिद्ध जो हैं, तो गिद्ध आजकल दिखते भी नहीं है, वो गिद्ध जो है वो यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। द क्रिटिकली इंडेंजर्ड व्हाइट रम्ड वल्चर एंड इंडियन वल्चर यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। और पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, पॉइंट कैलिमर, कैलिमर कहाँ पे है, कैलिमर है तमिलनाडु में, ठीक है। वन ऑफ द लास्ट रेमेनेंट्स ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो ड्राई शुष्क एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, एवरग्रीन सदाबहार, जिनकी पत्तियां सदाबहार रहती है, कुछ ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, वो लगातार ही रहते हैं, ठीक है। वहां का वेदर अच्छा होगा तभी पत्तियां नहीं गिराते हैं, समझ लो सो इतना, तो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट का लास्ट रेमिनेंट चाहिए, ठीक है। हैबिटेट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव और वेटलैंड्स, यहाँ पे तीन तरह के ये चीजें हैं, ठीक है। और पोंग डैम लेक, पोंग कहाँ है, हिमाचल में, पोंग डैम आप जानते होंगे हिमाचल में है, और इट इज ऑल्सो नोन एज महाराणा प्रताप सागर, ठीक है। इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है हिमाचल में, पोंग डैम को, ये भी एक वेटलैंड है। रेणुका, रेणुका क्या है, हिमाचल प्रदेश में एक लेक है और नेचुरल वेटलैंड विद फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स एंड इनलैंड सबटेरेनियन कास्ट फॉर्मेशन, ठीक है। एक नेचुरल वेटलैंड है
ठीक है, इसमें फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स भी हैं। और एक है रोपर वेटलैंड। रोपर कहाँ है? रोपर है पंजाब में, ठीक है। अ ह्यूमन मेड वेटलैंड ऑफ लेक एंड रिवर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बराज फॉर डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द सतलज रिवर। ये एक ह्यूमन मेड वेटलैंड ऑफ लेक है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसी लेक है जो कि ह्यूमन मेड आदमी ने बनाई है, ठीक है। एंड रिवर फॉर्म्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बराज। एक बराज, बराज होता है ना, जैसे गंगा बराज, ऊपर से जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, एक बराज बनाया गया है। कैसे? डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम सतलज रिवर, सतलज रिवर से डाइवर्जन करके वाटर का, ठीक है। रुद्र सागर लेक है त्रिपुरा में, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है रुद्र सागर लेक कहाँ है। तो आप सोचते होगे कि इतनी सारी झीलें इंडिया में, ऐसे कहाँ तक कितनी झीलें आप याद कर लोगे? तो ऐसा नहीं है, आपको सारी झीलें नहीं याद करनी है, लेकिन जो ग्लोबल इंपॉर्टेंस की है, जो रामसर साइट्स की है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। रुद्र सागर लेक कहाँ है? त्रिपुरा में। इट इज अ रिजर्वायर फेड बाई थ्री पेरेनियल स्ट्रीम्स डिस्चार्जिंग टू द रिवर गोमती, ठीक है। इसमें तीन नदियों से पानी आता है, पेरेनियल, तीन धाराओं का पानी आता है, ठीक है। और ये आपका इट इज ए आइडियल हैबिटेट फॉर IUCN रेड लिस्टेड थ्री स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। जो थ्री स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल है ना, कछुए हैं, रूफ टर्टल, वो IUCN में भी है, ये रेड लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक समन बर्ड सेंचुरी है ये यूपी में। इट इज ए सीजनल ऑक्सबो लेक ऑन द गैंगेस फ्लड प्लेन। गंगा का जो नदी का जो वो बाढ़ के जो प्लेन है ना, फ्लड प्लेन है, वहां पे एक सीजनल ऑक्सबो लेक है, ठीक है। एक समसपुर बर्ड सेंचुरी है यूपी में। इट इज पेरिनियल लो लैंड। पेरिनियल का मतलब होता है जहां लगातार पानी रहे, पेरिनियल मतलब सतत भाई हिंदी में, ठीक है। इट इज ए पेरिनियल लो लैंड मार्श टिपिकल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। इंडो गैंगेटिक प्लेन गंगा नदी के आसपास ही होगा, यूपी में चीजें हैं। तो द सेंचुरी हार्बर्स थ्रेटेंड स्पीसीज सच एज इंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर। यहाँ पे इजिप्शियन वल्चर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और ये सांबर लेक है राजस्थान में। सांबर लेक इज द इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड। इनलैंड मतलब कोस्टल नहीं है, बीचों बीच इंडिया में। इनलैंड मतलब जो लैंड के पोर्शन में, दो चीजें होती हैं, एक इनलैंड होती है, कोस्टल होती है। कोस्टल नदी समुद्र तट के आसपास, ठीक है, वो कोस्टल होता है। और इंडिया इनलैंड मतलब अंदर, ठीक है। सांबर लेक इज इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इट इज अ की विंटरिंग एरिया फॉर 10 ऑफ 1000s ऑफ फ्लेमिंगोस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लेमिंगोस भी हैं, ठीक है। और ये सैंडी संडी बर्ड सेंचुरी यूपी में है। द वेटलैंड इज टिपिकल ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन में है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और एक ये है सरसाई नवर झील। सरसाई नवर झील कहाँ पे है? ये आप देखोगे कि जो ज्यादातर झील नाम से जो चीजें हैं ना, वो यूपी में ही पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे मोती झील है वहां पे, तो झील ज्यादातर अगर आपको गेस करना हो तो ये यूपी में ही नाम रखते हैं इस तरह का, ठीक है। तो सरसाई नवर झील यूपी में। इट इज अ परमानेंट मार्श है। मार्श मतलब दलदली टाइप का। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। यहाँ पे दोनों आदमी भी रहते हैं और वाइल्ड लाइफ भी रहते हैं। द साइट्स नेम इज डिराइव फ्रॉम लार्ज नॉन माइग्रेटरी सैरस क्रेन। यहाँ पे नॉन माइग्रेटरी जो सैरस क्रेन है ना, वो पाए जाते हैं यहाँ पे, पक्षी है ये पाया जाता है। और 31वां है षष्ठम कोटा लेक। षष्ठम कोटा लेक कहाँ पे है? केरला में। और इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, सिचुएटेड इन कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये केरला की जो लार्जेस्ट सबसे बड़ी फ्रेश वाटर, अच्छे पानी की, साफ पानी की ये झील है, और ये कोल्लम जिले में है, ठीक है। रिवर कैलेडा है यूनिक रिप्लेनिसिंग सिस्टम थ्रू ए बार ऑफ पैडी फील्ड, ठीक है। जो रिवर कैलेडा है एक यूनिक रिप्लेसमेंट होता है, रिपेयर करना एक तरह से सिस्टम है, बार ऑफ पैडी फील्ड। यहाँ पे पैडी फील्ड भी है, धान भी होता है। और ये सुंदरबन वेटलैंड है। जो सुंदरबन वेटलैंड है ये वेस्ट बंगाल का, ठीक है। ये क्या है? सुंदरबन वेटलैंड इज लोकेटेड विद लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया। इंडिया में ये जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट मतलब साइट है, ठीक है। और ये इंडियाज इंडियन सुंदरबन कवरिंग द साउथ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ डेल्टा एंड कंस्टिट्यूट ओवर 60% ऑफ कंट्रीज टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया एंड इंक्लूड 90% ऑफ इंडियन मैंग्रोव स्पीसीज। अब इसमें जो इंडिया में जो 60% जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ना, वो यहीं पे पाए जाते हैं, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सलाइन वाटर में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। देखिए वाटर में अब ऑक्सीजन तो देते ही हैं, ठीक है, प्लांट्स तो अच्छी चीज़ है ही, और साथ में सलाइन वाटर में है तो वहाँ पे कोई और तो जा नहीं सकता और कोई प्लांट्स पनपते नहीं है, तो ये अच्छा मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे माना जाता है इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी करते हैं हमारे लिए, तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सुंदरवन में क्या है कि जो इंडेंजर्ड जो चीज़ें बात करूं मैं अगर कि ये रामसर साइट में क्यों आया होगा, तो इसमें एक हॉर्स शू क्रैब पाया जाता है, ठीक है, एक रिवर टेरापिन पाई जाती है, एक इरावती डॉल्फिन भी पाई जाती है, फिशिंग कैट भी पाई जाती है, ये चारों के चारों क्या है इंडेंजर्ड है, ठीक है, तो इसकी वजह से सुंदरवन को भी रामसर साइट में लिया, यहाँ पे रेयर स्पीसीज का प्रेजेंस पाया जाता है, ठीक है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है, और ये मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो वर्ल्ड के जो से और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो वर्ल्ड में जो मैंग्रोव्स है ना, जितने भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसका 7% सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोसिस्टम के लिए, ठीक है, और सलाइन वाटर में सर्वाइव कर जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट तो। और ये हो गया सुंदरबन, अब ये सुरिनसार मनसर लेक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है सुरिनसार मनसर लेक, फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक इन सेमी एरिड पंजाब प्लेन्स एट ज्वाइनिंग द झेलम बेसिन, ये पंजाब प्लेन में है और ये झेलम बेसिन में जो ज्वाइन कर मतलब सटा हुआ है, ठीक है, सुरिनसार मनसर लेक जम्मू कश्मीर, ठीक है, सुरिनसार मनसर लेक, और ये सोमरीरी ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है, ठीक है, फ्रेश वाटर टू ब्रैकिस लेक लाइंग एट 4595 मीटर अबाउट सी लेवल, सी लेवल काफी ऊंचाई पे है, ठीक है, द साइट इज सेड टू रिप्रेजेंट द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड आउटसाइड द चाइना फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंडेंजर्ड क्रेन्स द ब्लैक नेक्ड क्रेन एंड द ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बार हेडेड गीज, यहाँ पे दो ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो जो सिर्फ चाइना के बाहर से पाई जाने वाली सिर्फ यहीं पे पाई जाती हैं, ठीक है, और नहीं तो ये दो चीजें चाइना में ही पाई जाती हैं, तो ये कौन सी है, ब्लैक नेक्ड क्रेन जो और ये बार हेडेड गीज, ठीक है, द ग्रेट टिबेटन शीप और अगाली और टिबेटन वाइल्ड डेस आर एंडेमिक टू द रीजन, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, विथ नो आउटफ्लो इवेपोरेशन इन एंड एरिड स्टेपी कंडीशन कॉजेज वेरिंग लेवल्स ऑफ सलाइनिटी, यहाँ पे सलाइनिटी मतलब जो खारापन है पानी में वो मतलब वेरिंग लेवल है, ठीक है, एरिड एरिड एटमोसफियर रहता है, इवेपोरेशन इन द एरिड, ठीक है, ये हो गया। सोमरीरी कहाँ पे है, लद्दाख में, अपर गंगा रिवर ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच यूपी में है, ठीक है, ये क्या है, द रिवर प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर आईयूसीएन रेड लिस्टेड गंगा रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल क्रोकोडाइल, ठीक है, ये दो जो रेड लिस्टेड जो स्पीसीज है ना वो यहीं पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए आप जानते हो कि जब इस तरह की स्पीसीज पाई जाती है तो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हो जाती है वो चीजें, ठीक है। वेबनाड कोल वेटलैंड है केरला में, ठीक है, वेबनाड ये नाम सुना भी होगा आपने, राहुल गांधी वायनाड गए थे, ठीक है, तो वेबनाड समय याद रहेगा आपको कि राहुल गांधी का चुनावी क्षेत्र यही था, ठीक है, वायनाड वायनाड था उनका, तो वेबनाड इस तरह के सुनने में ऐसी चीजें केरला में ही है, वेबनाड, ठीक है, वेबनाड कोल वेटलैंड लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला, ये सबसे बड़ी केरला की सबसे बड़ी झील है, स्पैनिंग अक्रॉस अल्पोजा कोटायम इमाकुलम डिस्ट्रिक्ट, तीन डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब एरिया कवर करती है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबन, अब देखिए सिर्फ सुंदरबन जब तक नहीं था तब से पहले वेबनाड ही सबसे बड़ा एरिया हुआ करता था इसका 1512 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन अब सुंदरबन आ गया तो सुंदरबन इससे भी बड़ा है, ठीक है, तो ये इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, जो इंडिया में जो सबसे लंबी झील है ना वो वेबनाड झील ही है, ठीक है, वेबनाड झील आप देख रहे हो कि तीन तीन डिस्ट्रिक्ट से पास हो रही है, तो ये सबसे लंबी झील है, ठीक है, सबसे लंबी झील इंडिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, केरल में है वेबनाड झील है, इट इज बिलो सी लेवल एंड इट इज फेमस फॉर एग्जॉटिक फिश वराइटीज एंड पैडी फिश दैट आर बिलो सी लेवल, सी लेवल से नीचे यहाँ पे है ये झील और ये मतलब एग्जॉटिक फिश फिश पाई जाती है, वराइटीज बहुत है यहाँ पे और पैडी की फील्ड भी है यहाँ पे, वुलर लेक है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में, वुलर झील, ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, ठीक है, तो ये इंडिया की जो साफ पानी की सबसे बड़ी जो झील है इंडिया में वो वुलर झील है, साफ पानी की फ्रेश वाटर की, ठीक है, फ्रेश वाटर की जो सबसे बड़ी झील है वो जम्मू कश्मीर की वुलर झील है इंडिया में, ठीक है, और अगर इंडिया की सबसे लंबी लंबाई लेंथ में होती है, बड़ी मतलब वॉल्यूम में होती है, लार्जेस्ट मतलब वॉल्यूम में,
अगर उसका पानी सारा उठा के नापो अगर कितने लीटर हुआ, तो ये लार्जेस्ट है, मतलब उसके हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की झील कौन सी है? वुलर लेक इंडिया में, और सबसे लंबी, लंबाई में अगर कितने किलोमीटर में फ्लो होती है तो वह वेम्बनाड झील है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि जो 37 रामसर साइट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इंडिया में आइडेंटिफाइड तो 115 वेटलैंड्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ 115 वेटलैंड, लेकिन उनमें 37 को रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। तो वो 37 कौन कौन से हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये इनसे जुड़ी हुई लेक्स, उनके आसपास ये जगह और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से स्पेसीज पाई जाती हैं, क्यों फेमस हैं। अब ये जो वेम्बनाड लेक जो है, ये वेम्बनाड कोल वेटलैंड ये पहले हुआ करता था। ठीक है, वॉज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन इंडिया, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, ये आप जानते हो, सुंदरवन रिजर्व फॉरेस्ट आ गया। ठीक है, तो 37, तो जब ये आया तो ये सबसे बड़ा था एरिया में, 4230 स्क्वायर किलोमीटर का, जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हो डायग्राम में, मैंने सुंदरवन वेटलैंड्स, वेम्बनाड वेटलैंड्स और चिल्का लेक तीनों का एरिया भी लिखा हुआ है। सुंदरवन वेटलैंड 4230 स्क्वायर किलोमीटर है, वेम्बनाड कितना है केरल में है 1512 स्क्वायर किलोमीटर है, चिल्का कहाँ है उड़ीसा में 1165 के स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये मैंने पहले बता दिया कि 1981 में चिल्का लेक को डिजिग्नेट किया गया था रामसर कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, अब ये तो सबसे पुरानी हो गई जिसको वेटलैंड का दर्जा, वो रामसर साइट का दर्जा मिला था 1981 में, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे नया रामसर साइट का दर्जा किसको मिला है, तो 2020 में मिला है नंदूर मधमेश्वर, जो मैंने अभी आपको रामसर साइट बताई है महाराष्ट्र की, ये डिक्लेयर की गई है। ठीक है, तो प्रेजेंटली तो ये निवेस्ट है, तो निवेस्ट तो हो सकता है आगे बदलता रहे, ओल्डेस्ट लेकिन चिल्का लेक ही रहेगा सबसे पहले जिसको रामसर साइट का दर्जा मिला था। ठीक है, या उसके बाद इंडिया में, वर्ल्ड में जो है 2300 रामसर साइट्स हैं और 171 रामसर कॉन्ट्रैक्टिव पार्टीज हैं आज के डेट में, और द कंट्रीज विद द मोस्ट साइट्स आर रामसर साइट, जो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं किस वर्ल्ड में, किस कंट्री में है, तो रामसर साइट सबसे ज्यादा जो है वो 175 यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, और ये यूनाइटेड किंगडम, और ये मैक्सिको जो है सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का जो कंट्री है ना, नॉर्थ अमेरिका ऊपर सबसे कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है मैक्सिको, तो जो मैक्सिको है नॉर्थ अमेरिका का, वो सेकंड नंबर पे आता है रामसर के जो वो रामसर साइट में। ठीक है, बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन, बोलिविया जो कंट्री है, ये रामसर जो साइट्स हैं अगर उनका पूरा एरिया, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया अगर किलोमीटर स्क्वायर में नहीं देखा जाए, तो सबसे ज्यादा एरिया बोलिविया में है। ठीक है, काउंटिंग की बात नहीं हो रही है, गिनती में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एरिया वाइज कितना है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोलिविया में, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो है वो यही बोलिविया में ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये इंडिया के वेटलैंड्स के बारे में, मैंने रामसर साइट्स के बारे में आपको बताया हो, वीडियो अच्छा लगा हो